जब भी घर में पार्टी होती है तो हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्या बनाएं जो बड़ों को तो पसंद आए लेकिन बच्चे उसे बड़े चाव से खाएं। तो आपकी अगली पार्टी के स्टेटस की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू और पनीर की स्टफिंग वाले पिनव्हील्स। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए एक ऐसे स्नैक की रेसिपी लेके आई हूँ जो बड़ों को तो अच्छी लगती है लेकिन बच्चों को बहुत पसंद आती है। वो स्नैक्स हैं पिनव्हील्स। पिनव्हील्स को चाहे तो आप बच्चों की बर्थडे पार्टीज में बनाइए या अपनी किटी पार्टीज में या पॉटलक्स में, ये हर पार्टी में सबको बहुत अच्छा लगता है और हर पार्टी का हिट स्नैक है। तो चलिए शुरू करते हैं पिनव्हील्स। पिनव्हील्स बनाने के लिए पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए एक पैन में 2 छोटे चम्मच घी या तेल के गरम करेंगे और फिर इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच जीरा। जब जीरा चटकने लगेगा फिर हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। यहाँ मैंने 2 बड़े आलू उबाल कर उनको रफली मैश करके डाला है। इसे 1 मिनट के लिए सौते करेंगे, फिर इसमें डालेंगे 1/4 कप मटर। मटर डालना ऑप्शनल है। मटर डालने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए सौते करेंगे, फिर इसमें डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर और 1/2 चम्मच अनारदाना पाउडर। ये सब डालने के बाद इनको अच्छे से मिला लेंगे और इसे 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये जो मसाले हैं ये आलूओं को अच्छे से कोट कर लें। ये आलूओं वाली स्टफिंग तैयार है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं और ये मिक्सचर भी थोड़ा ठंडा हो गया है। अब इसमें जो आलू के बड़े बड़े पीसेज हैं हमें उन्हें मैश करना है। तो इसके लिए चाहे तो आप इसे हाथों से मैश कीजिए या फोर्क के साथ मैश कर लीजिए। जब ये मैश हो जाएंगे फिर हम इसमें डालेंगे ताज़ा कटा हुआ धनिया। धनिया इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। तो ये आलू का मसाला तैयार है। अब हम बनाएंगे पनीर वाली स्टफिंग। तो पनीर की स्टफिंग बनाने के लिए हम एक पैन में 2 छोटे चम्मच घी या तेल गरम करेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 कप कसा हुआ पनीर डालेंगे। पनीर को लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए सौते करेंगे, फिर इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच अमचूर, 1/2 चम्मच अनारदाना पाउडर, 1 हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक काट लिया है और स्वाद के हिसाब से नमक। ये सब मसाले डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिला लेंगे और इसे लगभग 2 मिनट के लिए हमें पकाना है। मसाले पनीर में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ ताज़ा धनिया और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। पनीर की स्टफिंग भी तैयार है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अभी मैंने ओवन को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है 200 डिग्रीज पे। अब एक पफ पेस्ट्री शीट लेंगे। मैंने यहाँ रेडीमेड पफ पेस्ट्री शीट ली है। इसके आधे सेक्शन में जो हमने पनीर की स्टफिंग तैयार की थी वो डालेंगे और उसे इवनली स्प्रेड कर देंगे। और जो दूसरा सेक्शन है उसमें हम जो आलू की स्टफिंग तैयार की थी वो डालेंगे और इसे भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। स्टफिंग भरने के बाद हमें इसका एक लॉक बनाना है। इसके लिए इसे इस तरीके से रोल करेंगे और जितना टाइट हो सके उतना टाइट रोल बनाएंगे। अगर ये टाइटली रोल नहीं करेंगे तो हम इसे अच्छे से सही पीसेस काट नहीं पाएंगे। अब इसके किनारों को इस तरीके से अंगूठे और फर्स्ट फिंगर के बीच में पिंच करते हुए सील करना है। इससे जब हम इसकी डिस्क बनाएंगे या इसे काटेंगे तो इसका मसाला निकलेगा नहीं। अब इसे काटने के लिए आप एक शार्प नाइफ़ यूज़ कर सकते हैं जैसे ब्रेड नाइफ, और अगर वो नहीं है तो जो रेगुलर धागा होता है जिससे हम स्टिचिंग करते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। धागे को डबल कर लीजिए और फिर इस तरीके से क्रिस क्रॉस करते हुए एक एक पीस काटिए। ये देखिए, ये मैंने एक फर्स्ट पीस काटा है इसका। मैं दोबारा काट के दिखाती हूँ। धागे को लॉक के नीचे से लेके आए और क्रिस क्रॉस किया और एकदम से खींच दिया और ये एक पीस कट के तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से आप सारे पीसेस इसके काट लेंगे और एक बेकिंग ट्रे में लगा देंगे। अब हम इन्हें एक प्री हीटेड ओवन में 200 डिग्री सेल्सियस पर 18 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। लेकिन आप इन्हें 15 मिनट के बाद चेक ज़रूर कीजिए क्योंकि हर ओवन का टेम्परेचर और उसकी सेटिंग अलग होती है। ये लीजिए, आलू और पनीर की स्टफिंग के साथ ये पिनव्हील्स एकदम तैयार हैं। बहुत ही क्रंची और बहुत ही क्रिस्पी पिनव्हील्स हैं और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कच्चे भी नहीं है, एकदम प्रॉपरली पके हैं ये पिनव्हील्स।
इस रेसिपी के साथ बच्चों के लिए ये पिनबुल्स बनाइए और उन्हें ये कैसे लगे हैं आप मुझे प्लीज़ ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ऐसे ही और मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ के लिए नेहा स्पाइस गली को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।